बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ खीर, तो जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ये मेरी बनने लगी है खीर। डालने लगी हूँ मैं ये सब्ज़ इलायची का पाउडर, तकरीबन ये 2 टीस्पून जाएंगे, ये देखें। और ये दूध बॉईल हो रहा है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। चावल मेरे हैं 1 किलो, 6 किलो दूध है और 1 किलो मेरे चावल है। और मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 पाव खोया और 1 पाव ही मैं डालूंगी इसमें वो लीडो का पैकेट। तो अब ये जब मैं इसमें चीनी शाम और 6 किलो इसमें मैं 1 किलो चीनी डालूंगी दूध में, इस खीर में। और उसके बाद मैं इसको जब डिश आउट करूंगी, गार्निश करूंगी, तो मैं आपसे तब मिलूंगी। इसको मैं चावलों को अभी ये ज़रा एक दफ़ा बॉईल हो जाए, फिर मैं इसको उससे घोटूंगी, जो मधानी होती है घोटनी, उससे घोटूंगी। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखिए मेरी खीर बस उबलने लगा है दूध अब, और ये जब तैयार होगी तो मैं आपसे तब मिलूँगी। माने रही, ये देखें ये मेरी खीर तैयार हो गई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें घोट गई है, मैंने घोटी है उससे मधानी से। ये देखें मेरी खीर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चीनी, और चीनी शामिल करके मैं सिर्फ चंद मिनट और 5-7 मिनट और रखाऊँ। ये देखें बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, खोया मैंने डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी चीनी जा रही है इसमें, तकरीबन 1 किलो चीनी, 1 किलो से ज़्यादा ही डालूंगी। आप अपने हंसबे जायका भी डाल सकते हैं, अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक। आज बड़े मज़े की बनी है, आप लोगों को, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। केवड़ा डाला है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलें मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।